महाभारत की रामायण में पढ़ रहा था उसका प्रसंग है। कौशल्या मैया ने सुना ये रात में रोने की आवाज किसकी आती है, उसके खोजने लगी। एक दरवाजे के सामने गई, वहां बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या थी आप जानते हैं? राघव 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 राघव, मुझे दर्शन नहीं दोगे? ये जानते हैं किसका घर था, ये किसका कमरा था? आपको मालूम है ये कमरा उन्हीं का था जिनको लोग गाली देते हैं, मैया कैकेयी का। कौशल्या ने दरवाजा खटखटाया, कैकेयी ने आंख पोंछा बाहर आई। कभी भी भोजन और भजन कोशिश करिए अकेले में करिए, भोजन भी लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। अब किसी के यहाँ शादी विवाह में जाइए तो भोजन करिए, पर कम खाइए, कम खाइए, अपने घर में पेट भर के खाइए। उधर ज्यादा खाएंगे तो आजकल तो रिकॉर्डिंग वाला वो रिकॉर्ड कर लेगा कि आपने 45 रसगुल्ला खाए थे। कम खाइए और भगवान का भजन, भोजन भी अकेले में करिए, भगवान का भजन भी अकेले में करिए। किसी को मत बताइए कि हम तो, आप अपने बांके बिहारी जी के लिए कितना रोते हो किसी को मत कहो, क्योंकि आपके रोने को दुनिया वाले आपका पागलपन कहेंगे, पागल है। पर सच में जो बांके बिहारी जी के लिए पागल है धन्य है। ऐसे पागल के चरणों में तो अपना सिर धर के प्रणाम करो, धन्य है ऐसा पागल। भाई इस दुनिया में पागल तो सब है, पर कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा तो पागल वही है जो पागल श्री मां के, धन्य है वो पागल जो बिहारी जी के। कैकेयी मैया ने आंसू पोंछ लिया। कौशल्या मैया ने कहा आंसू पोंछने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सुन लिया आप रो रही थी राघव राघव कह के। जैसे कहा कैकेयी फिर रोने लग गई। कौशल्या मैया आंचल में छुपा के लाई थी राघव को, आंचल उठा लिया। जो आंचल उठाया कैकेयी मैया ने हाथ पसार दिया, बहन मुझे नहीं दोगी, आपकी गोद में तो लल्ला बहुत खेलते हैं, मुझे दे दो। कौशल्या मैया ने कैकेयी मैया के हाथ में दिया, और आज के बाद से राम जी अपनी मैया का दूध नहीं पीते थे, अपनी मैया कैकेयी का दूध पीते थे। कौशल्या मैया के साथ भरत भैया रहते थे, राम जी नहीं रहते थे, राम जी तो अपनी मैया कैकेयी के यहाँ रहते थे। राम जी लगभग 2 वर्ष के होंगे, कितने वर्ष के? हमेशा राम जी अपने मैया कैकेयी के हाथ से ही खाना खाएं। आज दूध भात खिला रही थी मैया गोद में बिठा के, लल्ला खा ले। राम जी रोने लगे, मैया 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 कितना प्रेम करती हो आप मुझसे। कैकेयी मैया ने कहा क्या बात करते हो राम, इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, तू चाहे तो मेरे प्राण को मांग के देख ले, एक सेकंड का वक्त नहीं लगाऊंगी, दे दूंगी लल्ला, मांग के दे। मैया मैं जो मांग लूंगा आप दे दोगी? कैकेयी मैया ने कहा बेटा मैं वचन देती हूँ, मैं अयोध्या की महारानी हूँ, मैं रघुकुल की महारानी हूँ, और रघुकुल की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाय पर वचन दे देंगी। मैया आप मुझे, मैं जो मांगूंगा वो दे देंगी, तो कल से कोई भी भारत वाला अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आज भी कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखता। कौशल्या मिल जाएगा नाम, सुमित्रा मिल जाएगा नाम, कैकेयी नाम आज तक आपने सुना नहीं होगा। कैकेयी मैया ने कहा चूल्हे में जाएं दुनिया वाले, हमरे राम जी प्रसन्न रहने चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, मांग भी ना। राम जी ने कहा मैया मैंने जो मांगा आपने दे दिया, तो अयोध्या वाले गाली देंगे, नहीं परवाह है मुझे अयोध्या वालों की, गाली दे चाहे मेरे नाम पे ताली बजाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा राघव प्रसन्न रहे, मेरा लल्ला प्रसन्न रहे, मांग लल्ला तुम्हें चाहिए क्या। इतना कहते कहते राम जी खड़े हुए, रोते रोते राम जी ने मैया को गले से लगा लिया। मैया तुम जैसी मैया आज तक ना हुई है ना होगी, मैया जो मैं मांगूंगा आप दे दोगी, तो आपके मांग का सिंदूर धो दिया जाएगा, आपके हाथ की चोड़ी फोड़ दी जाएगी, आपके शरीर की रंगीन साड़ी उतार दी जाएगी, आपको विधवा बना दिया जाएगा, मैया आप वैधव्य को प्राप्त हो जाओगी। रोने लगी कैकेयी मैया, लल्ला ऐसा क्या मांग लोगे कि दशरथ जी मर जाएंगे, क्या मांगोगे लल्ला बता दो। मैया आपने वचन दिया है आप दोगी, आप कहो कि दूंगी तब मैं बताऊंगा। हाँ लल्ला
मैं दूंगी बता। अरे दशरथ क्या, मैं खुद मरती हूँ तो मर जाऊं मुझे परवाह नहीं है, पर मेरा भगवान मुझसे प्रसन्न रहना चाहिए, ये भक्त की पराकाष्ठा है माई बाप। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, मैं रो रो के तुमको मनाया करूंगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आप जानना चाहते हैं कब आएगा सांवरिया, कौन कौन जानना चाहता है भगवान कब आएगा? इधर भाई लोग कुछ हाथ नहीं उठा रहे, जिनको जिनको जानना है भगवान कब आएगा वो हाथ उठाएंगे। बताऊं कब आएगा, जब दोनों हाथ उठाएंगे ऐसे ताली बजाएंगे तो अब आएगा मेरा सांवरिया, 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 अब आएगा मेरा सांवरिया। कैकई मैया ने कहा ठीक है देती हूँ। तब राम जी ने मांगा है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। ये कैकई ने कहा था कि राम जी ने कहा था? सबसे पहले राम जी ने खुद कहा था, वो नाम लग गया कैकई का। धन्य है कैकई, मुझे लोग गाली देते हैं तो दें, पर मेरे राम जी का चरित्र निष्कलंक रहना चाहिए, ये कैकई है। मैं प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखना चाहते हो रख लो, आप खुश रहो सरकार यही करो। मुझे 2 दिन खाना नहीं मिलेगा चलेगा, पर सरकार आपको 56 भोग मिलता रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। एक बार सब कहो राधे राधे।